autocoid. What is autocoid? सर ये निकल की क्यों रहे हैं? Yes? तो देखो यहाँ पे suppose आपकी सेल में कोई इन्फ्लामेशन हो गया, क्या हो गया बेटा? या क्या हो गई इंजरी, क्या हो गई? Suppose कोई भी इंजरी, एनी काइंड ऑफ इंजरी, एकदम से आप जल गए, एकदम से एक्सीडेंट हो गया, तो होता क्या है? कैसे आपको दर्द फील होता है? कैसे वहां लाल पड़ता है? देखो फंडे, देखो क्या है, जैसे सपोज आपको इंजरी हुई बेटा, सेल इज मेड अप ऑफ द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर और लेयर ऑफ सेल इज सेल मेम्ब्रेन, एनी डाउट? पता है क्या आपको? यस, सेल की आउटर मोस्ट लेयर नोन एज सेल मेम्ब्रेन, यस और नॉट? ये सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी हुई है पता है क्या आपको? फास्फोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, सुना है ऐसा? इलेवेंथ का पूछ रहा हूं, आजकल तो सिक्स सेवन में पढ़ाते हैं, यस पता है कि नहीं? तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, जैसे ही कोई इंजरी होती है, इन्फ्लामेशन होता है बॉडी में, तुरंत एक एंजाइम निकलता है, उसका नाम है फास्फोलाइपेज। कितने लोगों को समझ में आया? आया समझ में? फास्फोलाइपेज A2 आया, आया ठीक है। इसका नाम क्या है बेटा? फास्फोलाइपेज, इसका नाम कैसे बना सर? आपको मैंने पहले ही बताया हूं, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड, किससे मिलके बना है? और ग्लाइकोप्रोटीन। यस, सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन और फास्फोलिपिड। जैसे ही इंजरी होगी, कोई भी चोट लगेगी, फास्फोलाइपेज एंजाइम इसको तोड़ेगा सेल को, और तुरंत निकलेगा अरेकिडोनिक एसिड। कितने लोगों को ये समझ में आया? यस, सेल मेम्ब्रेन में क्या काम किया? फास्फोलाइपेज A2, जिसकी मदद से बना अरेकिडोनिक एसिड। ये अरेकिडोनिक एसिड से दो पाथवे एक साथ चलते हैं बेटा। यस, हाउ मेनी पाथवे? टू पाथवे। पहला पाथवे है लाइपो ऑक्सीजिनेस पाथवे। कितने लोगों को समझ में आया? आया। लाइपो मींस लिपिड, ऑक्सीजिनेस, यस, एस मींस एंजाइम पाथवे, इसको शॉर्ट में लॉक्स पाथवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LOX। क्या ये समझ में आ रहा है? यस। और एक दूसरा पाथवे चलता है, सम अनदर पाथवे, डेट इज साइक्लो ऑक्सीजिनेस पाथवे। गेटिंग और नॉट गेटिंग? इन शॉर्ट यू कैन से दैट कॉक्स पाथवे, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा? आया क्या ये समझ में? कुछ पूछना चाहते हैं यहां तक? बढ़े आगे। ये लाइपो ऑक्सीजिनेस पाथवे से टू सब पाथवे, दो मॉलिक्यूल बनते हैं, एक का नाम है 15HPT, याद करने के लिए 15HPT, और एक है 5HPT। इसका फुल फॉर्म सुन लो, याद रखने की जरूरत नहीं है, यदि याद रख लेते तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको काम आएगा रिसर्च में, ओके? यदि आप रिसर्च में जाते हो तो 15-hydroperoxy-icosa-tetra-inoic acid। फिर से बताऊं, 15-hydroperoxy-icosa-tetra-inoic acid, 5-hydroperoxy-icosa-tetra-inoic acid, no need to
रिमेम्बर, इफ यू रिमेम्बर, वेरी गुड थिंग, यस कम टू द पॉइंट। 15HPT से बनता है बेटा लाइपोक्सिन, क्या बनता है 15HPT से बनता है ल्यूकोटेरिन, क्या बनता है ल्यूकोटेरिन, और 5HPT से बनता है लाइपोक्सिन, क्या बनता है बोलते तो जाइए लाइपोक्सिन, यस। ये लॉक्स पाथवे हैंस कंप्लीटेड है, लॉक्स पाथवे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब है साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे, साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे जिसको शॉर्ट में कॉक्स पाथवे बोलते हैं, यस यस। इसमें पहला चलता है कॉक्स वन पाथवे, क्या चलता है बेटा, और एक चलता है कॉक्स टू पाथवे, कितने लोगों को समझ में आया, यस। कॉक्स वन पाथवे से दो मॉलिक्यूल बनेंगे, पहला बनेगा थ्रोम्बोक्सिन ए टू, क्या ये समझ में आया, थ्रोम्बोक्सिन ए टू एंड थ्रोम्बोक्सिन डी टू, यस। और यहां बनेगा एक और अनदर मॉलिक्यूल प्रोस्टा साइक्लिन, क्या बनेगा, एनी डाउट, और ये कॉक्स टू पाथवे से बनेगा प्रोस्टाग्लैंडिन जी टू, प्रोस्टाग्लैंडिन एच टू, और लास्ट में बन जाएगा बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन। सर आप पढ़ा क्या रहे हैं और पढ़ा क्यों रहे हैं, यस ये मैं फर्स्ट ईयर पढ़ा रहा हूं, जो आपने फर्स्ट ईयर में सुना ही नहीं, समझ में आया, अभी फार्माकोलॉजी स्टार्ट नहीं हुई, गेटिंग ऑन नॉट, यस। बट ये क्यों जरूरी है, जब आप पेन किलर के बारे में पढ़ोगे एनसेड यू शुड नो, आया समझ में, पैथोलॉजी में पहले ना सेल इंजरी वगैरह इंफ्लामेशन है सब निकलती है ये, ओके। व्हाट इज दिस सर, वंस दी सेल इंजरी अकर व्हाट हैपन इन सेल मेम्ब्रेन, ब्रेकडाउन ऑफ सेल मेम्ब्रेन अकर, सेल मेम्ब्रेन टूटती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फास्फोलाइपेज, दिस फास्फोलाइपेज ब्रेक द सेल मेम्ब्रेन टू फॉर्म अरेकिडोनिक एसिड, फ्रॉम द अरेकिडोनिक एसिड टू पाथवे लाइपो ऑक्सीजनेट पाथवे, साइक्लो ऑक्सीजनेट पाथवे, लॉक्स पाथवे इन ऑल्सो नोन एज लॉक्स पाथवे इन शॉर्ट, इन लॉक्स पाथवे टू मॉलिक्यूल फॉर्म ल्यूकोटेराइन एंड लाइपोक्सिन, इन साइक्लोऑक्सीजिनेट पाथवे इन शॉर्ट कॉक्स पाथवे है टू सब पाथवे कॉक्स वन एंड कॉक्स टू, कॉक्स वन पाथवे फॉर्म थ्रोम्बोक्सिन एंड प्रोस्टासाइक्लिन एंड दिस कॉक्स टू पाथवे फॉर्म प्रोस्टाग्लैंडिन, यस और नॉट, एक छोटी सी इंजरी हुई ये सब प्रोसेस चलती है, गेटिंग ऑन नॉट, सर इतने मॉलिक्यूल बनते हैं, यस इतने बनते हैं, और सबका अपना अपना एक यूनिक काम है, देखिए कैसे, सर ये ल्यूकोटेराइन क्या करता है, फंक्शन पढ़ा रहा हूं यहां से ध्यान से सुनना, यस फंक्शन ऑफ ल्यूकोटेराइन, ल्यूकोटेराइन कराता है बेटा वैसो डायलेशन, क्या कराता है, क्या कराता है अर्था, वैसो डायलेशन, यस। साथ में क्या करवाता है सर, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, क्या कराता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण क्या होगा, अस्थमा, क्या होगा बेटा, मतलब अस्थमा के समय ल्यूकोटेराइन निकलता है, गेटिंग ऑन नॉट, ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, गेटिंग ऑन नॉट, आ रहा है सर। ये लाइपोक्सिन का क्या काम है, लाइपोक्सिन भी बैसो डायलेशन कराता है, क्या कराता है, समझ में आया, बैसो डायलेशन से क्या होगा, बीपी कम हो जाएगा, और जब बैसो डायलेशन होगा तो जो ब्लड प्रेशर से जा रहा था वहीं रुक जाएगा, रुकने के कारण क्या होगा, वो एरिया लाल पड़ जाएगा, गेटिंग ऑन नॉट, और जब भी ब्लड रुकता है बॉडी में कहीं उसकी क्लॉटिंग की टेंडेंसी होती है, बोलो या समझो, वो क्लॉट होने की कोशिश करता है, आ रहा है ऐसा, यस। तो ल्यूकोटेराइन ने क्या करा, बैसो डायलेशन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, यहां भी वैसोडायलेशन,
बेसोडालिन से ओवरऑल क्या हो रहा, बीपी कम, और जब भी बीपी कम होगा यस, जब भी बीपी कम होगा यस, तो क्या होगा वहां पे, माइन्यूट ब्लड वेसल से कैपिलरी से आरबीसी बाहर आएंगी, एग्जुडिएशन होगा, क्या होगा, ट्रांसड्यूएशन, एग्जुडिएशन, सुना है आपने पैथोलॉजी में, सुना है नहीं, अरे बोलो तो, यस, तुम नहीं बोलोगे ना मेरे को आंख से समझ में नहीं आएगा, हाँ या ना, यस, सर नहीं सुना है, तभी तो आप आए हो, पढ़ाएंगे आपको, एग्जुडिएशन ट्रांसड्यूएशन क्या है, ब्लड में जो फ्लूड होता है वो बाहर आ जाता है और स्वेलिंग आ जाती है, गेटिंग ऑन ऑफ, वॉट इज द फंक्शन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन, थ्रोम्बोक्सिन क्या कराता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन कराता है, क्या कराता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन से क्या होता है, किसी को पता है क्या, ब्लड क्लॉट होता है, क्या होता है, ब्लड क्लॉट मतलब रक्त का थक्का बन जाता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, समझ में आया, ड्यू टू एग्रीगेशन, व्हेन द प्लेटलेट कम क्लोज टू ईट अदर, ईट अदर, कोगुलेशन अकर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ द केमिकल मॉलिक्यूल दैट इज थ्रोम्बोक्सिन ए टू एंड डी टू, एनी डाउट, समझ गए, ये और क्या कराता है, ये बैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, क्या कराता है सर, कैसे, सपोज कहीं इंजरी हो गई, ब्लड बह रहा है, इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइप को पास लाना पड़ेगा, जैसे कहीं पाइप से पानी बहता था अपन पाइप को दबाते हैं, ऐसे ये दबा रहा है, और इधर से प्लेटलेट आएंगी वहां पे फंस जाएंगी, गेटिंग ऑन ऑन, ये सब बैसोडाइलेशन कर रहे हैं, थ्रोम्बोक्सिन अकेला बैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, एनी डाउट, एनी डाउट, बढ़े आगे, एक कम टू द पॉइंट, सर ये प्रोस्टासाइक्लिन क्या करता है, प्रोस्टासाइक्लिन बैसोडाइलेशन करता है, क्या करता है बेटा, और जो भी बैसोडाइलेशन करते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग को रोकते हैं एक प्रकार से, क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के लिए थ्रोम्बोक्सिन है, इसलिए इसका नाम है थ्रोम्बस, थ्रोम्बस मीन्स क्या होता है, क्लॉट, हाँ है ना, और जहां भी बैसोडाइलेशन होगा ये ब्लड क्लॉटिंग को क्या करेंगे, रोकेंगे, गेटिंग ऑन नॉट, ये ब्लड क्लॉटिंग को इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, एनी डाउट, और लास्ट प्रोस्टाग्लैंडिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोस्टाग्लैंडिन का पहला काम क्या है, ये पेन करवाता है, क्या करवाता है बेटा, पेन, इसका मेन फंक्शन है, ये पेन को इंक्रीज करता है, कहीं भी चोट लगती है दर्द किसके कारण होता है, एनी डाउट, आ रहा समझ में, अब प्रोस्टाग्लैंडिन के फंक्शन हम और डिटेल में पढ़ेंगे, जो मैं बता रहा हूं इधर ध्यान दो, सब प्रोस्टाग्लैंडिन का पहला फंक्शन क्या है, ये सबके बहुत कम है यस, पर इसके कुछ ज्यादा फंक्शन है, इसलिए यहां पे डिटेल में बता रहा हूं, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है बेटा, ब्लड वेसल में जाता है, कहां जाता है, ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल में क्या करता है, वैसो डायलेशन, नॉट गेटिंग, क्या करेगा ये, वैसो डायलेशन, मैंने आपको पहले ही बताया, आई ऑलरेडी टोल्ड, थ्रोम्बोक्सिन कॉज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड द रेस्ट केमिकल सब्सटेंस कॉज वैसो डायलेशन, एनी डाउट, ड्यू टू वैसो डायलेशन, ड्यू टू वैसो डायलेशन, इफेक्ट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन ऑन ब्लड, सर ये ब्लड में क्या करता है, ब्लड में क्या होता है बेटा, किसी को पता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ये ब्लड में आरबीसी का मूवमेंट बढ़ा देता है, क्या कर देता है, आरबीसी का मूवमेंट इंक्रीज कर देता है, कहां से, माइन्यूट कैपिलरीज से, माइन्यूट कैपिलरीज मतलब क्या होता है, हाँ? बहुत बारीक पतली, माइन्यूट बहुत पतली, यस, आरबीसी का मूवमेंट क्या कर देता है, बढ़ा देता है, कोई डाउट, आ रहा समझ में, सर इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ये लंग्स में क्या करता है, तो लंग्स में ये ब्रोंकोडायलेशन करता है, क्या करता है बेटा,
यस कोई डाउट क्या करता है बढ़े आगे ब्रोंकोडायलेशन से क्या होगा रेस्पिरेशन इजी हो जाएगा सांस लेना आसान हो जाएगा नॉट गेटिंग समझ में आया और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होता है अस्थमा ठीक है तो ये ब्रोंको डायलेशन करता है सर इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है ये स्मूथ मसल में क्या करता है आबा ये स्मूथ मसल में ये कॉन्ट्रैक्शन करता है कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण क्या होगा स्मूथ मसल कहां कहां होते हैं बहुत सारी जगह होते हैं सबसे पहले बता दो यूटेरस ये यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन करेगा जिससे यूटेराइन ब्लीडिंग होगी सर आप रोज यूटेरस को पहले क्यों बताते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास पेशेंट आया यदि उसने बताया कि मुझे प्रेगनेंसी है तो आपकी पेन किलर अब चेंज हो जाएगी समझ में आया हाँ है ना डॉक्टर क्यों पूछता है प्रेगनेंसी है क्या नहीं ठीक है प्रेगनेंसी है तो अब दवाइयां लिमिटेड हो जाएगी इसलिए यूटेरस बताता हूं डायरिया वोमिटिंग तो चलो ठीक है ज्यादा कुछ नहीं होने वाला समझ में आया पर बेबी बाहर आ गया तो बहुत कुछ हो सकता है हाँ है ना लोग वो साइकोलॉजिकली जुड़े रहते हैं जिनके घर में फर्स्ट बेबी आया यदि अबॉर्शन हो जाए तो फिर देखो तुम क्या होने वाला समझ में आया दैट्स व्हाई वी ऑलवेज आस्क बिफोर प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग फर्स्ट वी टेक केस हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट इज देयर एनी प्रेगनेंसी सर नो व्हाई वी आर आस्किंग अबाउट मैरिटल स्टेटस आर यू मैरिड और अनमैरिड उसने कहा मैरिड है तो उससे पूछो यदि यंग है एज देख के प्रेगनेंसी है नहीं उनने अनमैरिड बोला तुमने कहा प्रेगनेंसी फिर तुम जान ही रहे हो क्या होने वाला है आ रहा समझ में तो क्वेश्चन चेंज हो जाने चाहिए आपके यस कम टू द पॉइंट स्मूथ मतलब एक मूवी आई तुमने देखे थे कि नहीं भागम भाग देखा था ना नहीं नहीं भागम भाग नहीं माला माल बीकली देखा था ना हाँ देखा तुमने हाँ अच्छे तरीके माला माल बीकली यस यस कम टू द पॉइंट सर ये और क्या करेगा ये बॉडी से फैट को तोड़ने से रोकता है मतलब ये एडिपोज टिश्यू में फैट का ब्रेकडाउन रोकता है फैटी एसिड सिंथेसिस कम करता है गेटिंग ऑन नॉट आया बढ़े आगे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर जो फंक्शन है बता देता हूं यस सर ये प्रोस्टाग्लैंडिन का नाम प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे पड़ा और डीप जाते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन एक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की प्रोस्टाग्लैंडिन इज डिस्कवर्ड बाय उल्फ वॉन ओहलर किसने किया था बेटा उल्फ वॉन ओहलर मैं ऐसा प्रोनाउंस कर रहा हूं जिससे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी आया समझ में उल्फ वॉन ओहलर इन 1930 की बात है ये साइंटिस्ट बनने की कोशिश कर रहे थे रिसर्च स्टडी आप साइंटिस्ट कब बनते हो जब आप कुछ डिस्कवर कर देते हो अदरवाइज आप तब तक साइंटिस्ट नहीं कहलाते कायदे से यस और नॉट दुनिया के हिसाब से कम टू द पॉइंट ये रिसर्च कर रहे थे इन्होंने इस हार्मोन को पहली बार देखा लोकल हार्मोन को आया समझ में यस 1930 और इन्होंने ऐसा देखा ऐसा इन्होंने सोचा कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन है ये सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है किससे निकलता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड से इनने नाम रख दिया बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड से इनने एक नाम रख दिया नाम था प्रोस्टा ग्लैंडिन कितने लोगों को समझ में आया आया क्या पक्का फिर उसके बाद रिसर्च की गई और देखा गया दिस प्रोस्टाग्लैंडिन इज रिलीज फ्रॉम सीक्रेटेड फ्रॉम ऑल सेल्स ऑफ बॉडी नॉट गेटिंग
बट इसका नाम चेंज नहीं हुआ और स्टिल वी टॉक अबाउट स्टिल वी प्रोनाउंस एज अ प्रोस्टाग्लैंडिन नो चेंज एट ऑल एनी डाउट बट द डिस्कवरी ऑफ वॉन उलर इज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट वाई बिकॉज दिस प्रोस्टाग्लैंडिन इज अ पेन रिसेप्टर सेंसिटिव क्या है बेटा ये पेन रिसेप्टर सेंसिटिव मतलब पेन रिसेप्टर सेंसिटिव मतलब जो पेन के रिसेप्टर है कौन से रिसेप्टर नोकी रिसेप्टर कौन से बेटा सुना है आपने हाँ या ना नहीं सुना ना ये भी फर्स्ट ईयर में पढ़ना था यस यस पेन रिसेप्टर उसका नाम है नोकी रिसेप्टर फ्री रिसेप्टर रहते हैं सभी रिसेप्टर में ऐसे कपड़े हैं ऊपर वाले ने कपड़े दिया नॉट गेटिंग बट जो पेन का रिसेप्टर है वैसा ओपन है आया कि नहीं समझ में इसलिए जैसे कुछ लगता है बहुत सबसे ज्यादा तकलीफ काहे की होती है प्रेशर की नहीं होती दबाने में होती क्या तकलीफ नहीं पर पेन हल्की सी स्विच चुपती है भयंकर पेन होता है गेटिंग नो क्योंकि इसके रिसेप्टर में कपड़े नहीं है ओपन है क्या है बेटा समझ गए बाकी सभी रिसेप्टर में कवरिंग होती है आया हाँ है ना कम टू द पॉइंट ये पेन रिसेप्टर से सेंसिटिव है क्या है बेटा सेंसिटिव तो ये पेन कैसे कराते हैं जहां भी इंफ्लामेशन होता है इंजरी होती है प्रोस्टाग्लैंडिन निकलेगा प्रोस्टाग्लैंडिन उस रिसेप्टर से बाइंड करेगा पेशेंट को फील होगा पेन हो रहा है नॉट गेटिंग आ रहा है समझ में यहां तक कुछ पूछना चाहते हैं ओके उसका कारण क्या है वेरी गुड क्वेश्चन जितनी ज्यादा और शार्प और सीवियर इंजरी होगी उतनी जल्दी दर्द आएगा उतना तेज दर्द आएगा उतने ज्यादा अमाउंट में ये निकलेंगे थोड़ा बहुत लगा है नहीं समझ में आया धीरे से मार दिए अच्छे से लगा दिए नहीं समझ में आया तो क्या होगा ये बहुत इंजरी तो नहीं है ऐसी सर्विसिंग तुम्हारी बहुत हुई है मैं जानता हूँ यार तो इसका दर्द क्या होता घर में जाके थोड़ा बहुत होता है ना पर यदि बहुत जम के यदि सुटाई करी है थाने वाने में जो होती नहीं समझ में आया तो उसमें बहुत ज्यादा सेल इंजरी होगी जिससे बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोस्टाग्लैंडिन निकलेगा जितने अमाउंट में निकलेगा उतने अमाउंट में फैलेगा उतने रिसेप्टर को कवर करेगा उतना तेज दर्द होगा आया समझ में जब भी इंजरी होती है तो हार्मोन लोकल हार्मोन निकलने में कुछ टाइम लगता है इसलिए तो जब भी लगता है थोड़ी देर बाद लाल पड़ने लग जाता है हरा पड़ने लग जाता है ये क्यों हो रहा है सर बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन वैसोडायलेशन होगा ब्लड रुकेगा धीरे धीरे बाहर आएगा कुछ दिन बाद वहां पे क्लॉट बन जाएगा हरा पड़ जाएगा हाइपोक्सिया हो जाएगा हरा पड़ेगा नेक्रोसिस हो जाएगी दर्द होगा आप बोलिए और कुछ पूछना चाहते हैं यस ऐसा क्यों है जो सुई है निडल है उसका जो बोर होता है गेज वो बहुत माइन्यूट होता है बहुत पतली होती है सुई नहीं समझना तो पता ही नहीं चलता ज्यादा इंजरी नहीं होती सीवियर इंजरी नहीं होती तो उसको हील होने में उसमें बहुत कम सब्सटेंस निकलते हैं कम दर्द होता है सुई बहुत शार्प है यस जितनी शार्प रहेगी उतना कम दर्द होगा बेटा पर जितना मोटा पेन रहेगा जितनी मोटी सुई रहेगी उतना दर्द होगा कि नहीं हाँ है ना इसलिए डॉक्टर जो निडिल यूज करता है यस वो बहुत शार्प होती है सुई लग भी जाती कई बार पता नहीं चलता हाँ है ना यस इसलिए बेटा तो उसका दर्द बाद में क्यों हो रहा है इतना पतला इंजरी हुआ है थोड़ा सा अमाउंट में इन्फ्लामेशन होगा तो दर्द होने में टाइम लेगा ऐसा है और बताइए आपको कोई डाउट आपको आपको यस ठीक है कुछ पूछना चाहते हैं यस अब हम क्या पढ़ने वाले हैं इससे आपके चैप्टर बन रहे हैं क्या बन रहे हैं बेटा ये तो मैं फर्स्ट ईयर ही पढ़ा रहा था अभी सेकेंड ईयर अब स्टार्ट होगा इसको ब्लॉक करेंगे पेन ठीक हो गया इसको ब्लॉक करेंगे अस्थमा ठीक हो गया इसको ब्लॉक करेंगे क्लॉटिंग नहीं होगी हो गया ट्रीटमेंट
आ रहा समझ में? अब सिर्फ मैं आपको ड्रग बताऊंगा कौन कौन से ड्रग इसको ब्लॉक करती है कैसे, बट आपको ये समझ में आया क्या? यस। अच्छा चलो एक और बात बताऊं, प्रोस्टाग्लैंडिन स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन करता है जिससे यूटराइन ब्लीडिंग होती है। यस, मतलब ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, बोलो यस और नो। इसलिए आपने देखा होगा जब मेंसेस आते हैं पेट दर्द भयंकर होता है और ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा अंदर मरोड़ हो रही है, लाइक दैट, यस और नॉट? मैं तो सिर्फ पढ़ाई का बता रहा हूँ, आपने तो अच्छे तरीके से फील किया होगा, लाइक दैट, यस और नॉट? भयंकर, और या रुक रुक के होता नहीं एकदम से, है ना, होता है एकदम से दर्द हो रहा है, अरे बाप रे, नहीं समझ में आ वो क्या हो रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन निकल रहा है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, जैसे ही यूटरस कॉन्ट्रैक्ट होगा, यस, वहां पे जो कार्पस लुटियम है, जानते हो कार्पस लुटियम? यस, वो टूट के बाहर आती है। तो ये लुटियोलिसिस भी करवाता है। क्या कराएगा ये? लुटियोलिसिस, कार्पस लुटियम को ब्रेक करेगा जो ब्लड के फॉर्म में बाहर आएगी। एनी डाउट आ रहा है, पूछना चाहते हैं, बढ़े? जो मेंसेस का ब्लड होता है वो कभी क्लॉट नहीं होता, होता है नहीं होता, कभी ब्लड क्लॉट नहीं होता, यहां लगा हुआ ब्लड क्लॉट हो जाता है, थक्का बन जाता है, पर उसका ब्लड कहां थक्का बनता है? नहीं बनता, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्लॉट के फॉर्म में नहीं आता, हाँ है ना, क्लॉट कहां रहता है? क्लॉट रहता तो वो अंदर ही जम जाता जहां से आ रहा है, गलत बोल दिए, समझ में आया? बॉडी में यदि कहीं भी ब्लीडिंग होती वहीं क्लॉट जम जाता है, यहाँ क्यों नहीं जमता? इसमें एक एंजाइम होता है उसका नाम है फाइब्रिनोलिसिन, यस, वो पतला जैसा रहता है ना, निकल जाता है, अदरवाइज क्लॉट जम जाएगा तो फिर उसका हर बार ऑपरेशन करना पड़ता है डॉक्टर को साफ करने के लिए, सर ना, ऊपर वाले का बड़ा करिश्मा है। कोई डाउट? किस पेशेंट को आप प्रोस्टाग्लैंडिन दोगे एज अ ड्रग? किस पेशेंट को आप प्रोस्टाग्लैंडिन एज अ ड्रग दोगे? प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करवाता है? पेन। मेरा ये क्वेश्चन है, आप किस पेशेंट को प्रोस्टाग्लैंडिन दोगे, मतलब आपने ऐसी ड्रग दी जो पेन करवा रही बॉडी में और डॉक्टर पेन को रोकता है, फिर भी आप किस पेशेंट को दे सकते हो, किस कंडीशन में दे सकते हो? बच्चे होने वाला उसको कभी नहीं देंगे, उसको कभी नहीं देंगे, जिसका होने जो वाला है, पेन उठ चुका है, सब दे देंगे। एनी डाउट? दूसरा, जिसके मेंसेस नहीं आ रहे हैं। तीसरा, किसके मेंसेस नहीं आ रहे? अनवांटेड प्रेगनेंसी। समझ में आया?